हले सिर्फ 6 ही अंडे ही हाँ 6 2 को लगते पे ने मैनू और ये चौथा पीस है थोड़े डर रहे हैं नहीं रिस्पांस है इनका भी ठीक है ये देखे मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ ये इसको मेरे ख्याल बोलते हैं ये चिराग इस तरह बोलते हैं लाल चिराग के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नंबर एक, एक भाई पूछ रहे थे मेरे से कि यार आजकल आप व्लॉग टाइप वीडियो बना रहे हो, ट्रेनिंग की वीडियोस नहीं बना रहे, फ्री फ्लाइट की वीडियोस नहीं बना रहे। तो उनके लिए है कि मेरे पास अभी जस्ट 2 पैरट्स हैं, एक तो डेविल है एक गोल्डी है। गोल्डी का मैंने कल बताया था कि मैं उसको बाहर नहीं छोड़ना चाहता, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको बाहर छोड़े हुए, तो फिर उसने तंग करना है, और इस वजह से मैंने कहा उसको रोक लिया जाए। डेविल का वो घर की हद तक की मज़ा करवा रहा है, बाहर नहीं। तो इन शॉर्ट अभी बाहर के लिए बर्ड्स नहीं है, तो बर्ड्स मेरे पास आ गए हैं, अभी भी मैं जा रहा हूँ रिसीव करने के लिए, राह के चार चिक्स आ रहे हैं, तो सारे के सारे बर्ड्स इंशाल्लाह फ्लाई टाइमिंग के लिए हैं, और कुछ अगर किसी को खुद चाहिए अपने घर के लिए रखने के लिए, टॉकिंग के लिए, टेमिंग के लिए, तो वो भी चिक्स उनको अवेलेबल होंगे। जैसा कि मैंने सीज़न स्टार्ट होने से आज से 2-3 महीने पहले कहा था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें तोते के बच्चे चाहिए, तोता चाहिए, तो मैंने कहा था कि जब चिक्स का सीज़न होगा तो इंशाल्लाह टेम बच्चे भी मिल जाएंगे, पालने के लिए खुद के लिए आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आज मेरे रिंगनेक के चिक्स भी आए हैं, इसके अलावा राह के चिक्स भी आ रहे हैं, तो अभी जाके रिसीव करने हैं, और उनमें से जो चिक्स इंशाल्लाह जिसको पहले चाहिए होंगे पहले मिल जाएंगे, बाकी जितने भी चिक्स हुए, बिल्लू भी आ जाएगा, वाइट भी आ जाएगा, वो सारे फ्लाई टेम करेंगे। और मैं इसी वजह से वीडियोज़ नहीं डाल रहा क्योंकि अभी बर्ड मेरे पास है नहीं कोई बाहर लेके जाने के काबिल, और इनका वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से बड़े हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर डेली बेस पे इनको राह को बुढ़ाएँ, बिल्लू और वाइट भी इंशाल्लाह मंगवाने हैं, उनको भी बाहर ट्रेन करेंगे, और वो हमने खुद अपने चैनल के लिए रखने हैं वीडियोस डालने के लिए, और ताकि आपके इंजॉय कर सकें। और इंशाल्लाह अभी बर्ड्स हैं फीडिंग करवाने का, तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपको डाल दी हुई हैं, और इसके बाद जब ट्रेनिंग के स्टेप्स हैं वो भी आपसे पहले भी शेयर किए हैं, फिर भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा। और जस्ट महीना डेढ़ है, जैसे चिक्स उड़ने के काबिल होते हैं, क्योंकि चिक्स मेरे पास 10-12 चिक्स आ गए हैं रिंगनेक और राह के, और जैसे ही वो ट्रेन होते हैं फिर आपको एक मज़ेदार वीडियो, तो अभी चलते हैं राह के चिक्स रिसीव करते और विली के थोड़े से आपको शुगर मिला दिखाते हैं। ये हमारा पार्सल आ चुका है, यस यस यस, तोतिया के बच्चे, राह के भी और चिक्स आ चुके हैं और उनको भी डालते हैं बाकी के साथ। इस टाइम टोटल जी अल्लाह का शुक्र है, ओहो डरो ना डरो ना, हौसला, 7 रिंगनेक के चिक्स हैं, एक वो ग्रीन, 2-3 और 4-5-6-7, एक ये राक है और 7 रिंग नेक के हैं, और 4 ही अभी जो के न्यू डिलीवरी आई है, उनको भी रखते हैं, और इंशाल्लाह सुबह मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा मेल फीमेल का। इनको इकट्ठे इसलिए मैं रख रहा हूं ताकि हीट बने सारे चिक्स की आपस में, ये चेक करें राह और रिंग नेक में डिफरेंस चेक कर लें, एज सेम है, 1-2 दिन का फ़र्क है, लेकिन साइज़ चेक कर सकते हैं। अब ये चिक्स ये सेम लग रहे होंगे, लेकिन साइज़ चेक कर लें, एज इनकी सेम है, ये रिंगनेक की और ये राह की, लेकिन साइज़ डबल है, जंबो। इंशाल्लाह ये हमारा थर्ड पीस रहा था, 4 आए हैं, और ये चौथा पीस है, थोड़े डर रहे हैं, फर्स्ट डे है, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। तो ये ख़त्म हो गया, खाली हो गया, और ये हमारी चिक्स है, अभी और भी आने हैं, येलो के आने हैं, वाइट के आने हैं, क्योंकि ब्रीड अभी रखा रखा है, चालू हो रही है, तो आने वाले यानी कि मंथ में इंशाल्लाह फिर वादू माल हो जाना है। तो ये सारे अभी चिक्स है, कुछ छोटे हैं बड़े हैं,
और अभी तो कुछ अंडे शंडे हैं लोगों के पास जो कुछ पेयर लगे हुए हैं, अंडों की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद 21 दिन बाद बच्चे निकलेंगे, फिर 20 से 25 दिन का बच्चा इतना होगा जिस एज में ये हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इंशाल्लाह अब इसको रखते हैं अंदर। ठंड हो रही है, दिन को तो मौसम ठीक रहता है, धूप होती है, लेकिन रात को ठंड हो जाती है, तो इसको अभी डाल देते हैं। भूखा ही ज़्यादा ना, उत्ते ना भी बहुता बोया इन इतने मंजे से बोता जाल से बना बोआ दिता ट्रैक्टर से बोआ दे इतने नहीं रिस्पॉन्स है इनका भी ठीक है यार पहला इधर दिन दिया उन्हें चिट्टे स्टार्टिंग से बड़ा तेरा रिस्पॉन्स था थोड़ा काट लिया ते उस तो बाद फिर वही क्या मालूम आता है किने कुछ आवे इन्हों ए कोशिश किया उत्ते चक के मारिया उत्तों सीधा तेरे हाथे आन इतों ना साध ए चक के उत्ते थ्रो किया इतें ए सीधा तेरे तेरे हाथ उत्ते मार चक के ताकि बैग गेर आवे ना तेरी जान ना छड़न ए अस्सलाम वालेकुम शाह जी कितने गए हो यंगपुर इतने अपने ना पंजाब बैंक को ब्रेक लाना जो तोते आए ना पार्सल पंजाब बैंक को हाँ उ बस पंजाब बैंक के कोल ही आ जा हाँ काड़े लगे है तो हम ये जी खाद लगाने लगे हैं देसी खाद जो कह ले कि फसल को लगाई जाती है एक मसनू जो बनाई जाती है और एक ये देसी खाद होती है जो गोबर शोबर जमा करी रखते हैं यहाँ पे भैंसों का और ये सब इकट्ठा होके हाँ इकट्ठा होके ना ये देखे जिस तरह ये आपको फसल में नज़र आ रहा होगा ना इसके बाद इसमें हल फेर दिया जाएगा ये मिक्स हो जाएगी मिट्टी के अंदर ये ढेर लगा हुआ है ये ढेर लगा है वो देखें तो ये सारी यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल सारी चकनी जे सारी चकनी तो ये सारी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। चल चल जल्दी मार मिनट मार चमक है इत अभी ये ट्रैक्टर जा रहा है जहाँ जहाँ पे ये लगानी वहाँ वहाँ पे खाद लगाएंगे गोबर खाद ये देखिए ये बंदा गिराना स्टार्ट हो गया ये चेक कर और इधर भी बंदे को चढ़ाया होगा लाइटिंग सेट करने के लिए ये चेक करे यहाँ पे जी अंडे खुद ही उतरे फिर रहे हैं आपको यहाँ से एक तो जरा जाली के बाय से ना थोड़ी टेंशन ही रहती है थोड़ा यहाँ से जूम कर देखते कबूतर ही आगे खड़ा हुआ है ब्लैक वाला जहाँ अंडा उतरा हुआ है और यहाँ पे भी चिक्स थे लेकिन नहीं सही से निकल पाए तो ये देखें मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ ये इसको मेरे ख्याल बोलते हैं ये चराग इस तरह बोलते हैं लाल चराग के पता नहीं क्या है इनका इस मुल्तान में नाम लिया जाता है इन कबूतरों का तो इनके बच्चों का वेट कर रहे हैं टेमिंग के लिए ये जो सिल्वर से कलर में बच्चे ये माशाल्लाह से एडजस्ट हो गया जोड़ा है और उम्मीद बहुत है इनके चिक्स की कि इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। लास्ट टाइम दो साल पहले पिछले साल तो इस फीमेल ने नहीं ब्रीड की थी उससे पहले इसने 9 अंडे दिए थे 9 में से सिर्फ 2 चिक्स निकाले थे इस फीमेल ने और पिछला साल ज़ाया ही गया इसका लेकिन इस साल ने ये मेल चेंज किया क्योंकि जो पुराना मेल था उसको लकवा हो गया था अब ये मेल इसके साथ हमने एडजस्ट किया तो देखते हैं अल्लाह खैर करे कि अगर इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे 100% के ये बच्चे निकालेंगे ये जोड़ा
ये जनाब ये भी देखें माँ का दूध छोड़ गए हैं, आजकल सेल्फ फीड के ऊपर है दोनों। और इस टाइम कह रहे हैं ये बाहर निकालो क्योंकि अब इनको बाहर फिरने की आदत हो गई है। मसला यही है कि ये भैंसों के नीचे फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और टेंशन यही रहती है कि कहीं पाँव के नीचे आ गए तो टांग शांग कोई हड्डी तुड़वा बैठेंगे, तो इस वजह से इनको मजबूरन बंद करना पड़ता है ताकि कोई मसला मसाइल ना करें। और यहाँ पे जोड़े की क्या कंडीशन है ये भी देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है। ये सिंध से मंगवाया था अभी कुछ मंथ पहले ही, और उम्मीद है कि ये भी इंशाल्लाह ब्रीड करेगा। इस दफ़ा तीसरा बस जोड़े की मेरा टेंशन है, उसको जोड़ा किस तरीके से लगाना है कुछ ट्राई करते हैं। इस मुर्गी को क्या हुआ है, क्यों बैठी फंसी हुई है, चल निकल यहाँ से। ये दरअसल मेरे ख्याल टर्की से इसकी नहीं बनती, और बाहर इसको खुला छोड़ें तो ये जनाब ये निकल आई बाहर। ये करती है कि ये अंडे पी लेती है मुर्गियों की दूसरों की, हाँ फेरुआ दे। ये टर्की बर्ड के अंडे आपको दिखाते हैं जी, सारे ये फेरुआ दे, तीन तीन छः, ये छः अंडे जी टर्की, सात है नहीं छः है इनके, कितने का अंडे लाते हैं खाली, सिर्फ छः ही अंडे क्या, हाँ दो को लगते पे ने, मैं तीन अंडे मेरे ख्याल चार पांच, दो ते तीन पांच अंडे है मेरे ख्याल ना, फेरुआ दे सारे फेरुआ दे आ निके भी सा सारा फेरु पे। अच्छा क्योंकि बड़े तो लगते पे ना लेकिन छोटे नहीं लग रहे, मैं कहना बहुते ना एडजस्ट कर आ चेंजिंग कर दे, वेख मसी बह होना उठे, तीन तीन छे तीन नौ मेरे ख्याल फेरू जो किसी फेरनी ने सेवा मिलना सी ना फेर ही रख दे सही उन्होंने, पर पिछली बारी भी सारे खराब ही किए उन्होंने, अब फेरनिया ने बच्चे सही नहीं कटे अद्धे खराब अंडे किते। ये मेरे ख्याल पाँच के सात चिक्स से कितने थे, छः चिक्स हैं ये वाले ब्लैक मुर्गी के नीचे। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे भी छः चिक्स इस वाइट के हैं, वाइट के पाँच थे या छः थे मुझे भूल जाती है गिनती, वैसे या चेंजिंग हो गई है चिक्स की मेरे ख्याल में, ये इसके भी चिक्स है। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर कोई नहीं, दो मुर्गियों ने बच्चे निकाल लिए हैं जी, इसने भी निकाल लिए, इसको भी अलग केज दिया हुआ है जब तक के बड़े थोड़े से चिक्स होने जाते, क्योंकि इस एज के चिक्स को कतरा रहता है कौवों शमों का ज़्यादा, और बिल्ली शिल्ली भी दाव लगा लेती है, या हमारे जो कुत्ते शुत्ते ये भी हैं मुर्गे भी मारना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से ज़रा अलग ही इनको बंद किए रहते हैं। और दो मुर्गियाँ ये अलग ही बैठ गई हैं अंडों पर, इनके भी देखते हैं चिक्स की क्या कंडीशन है, कितने निकालती हैं अंडे, तो वो पंद्रह पंद्रह दोनों के नीचे बता रहे हैं रखे हैं। बाकी ये टर्कीज़ हैं, अभी ही टर्की अंडा देने तो स्टार्ट होगी, मेरे को 15 अंडे दे दिए, पता नहीं किस किसने दिए हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही फिर कोई ये भी बैठती है अंडे अंडों के, और सॉरी सेवे पे, सेवा हम इसको बोलते हैं, कुड़क जो करती है मुर्गी,